नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ सरकारी लर्निंग पॉइंट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छा सा सवाल, जो कि आप दिमाग लगाइए और अनस्वर बताइए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3, 2 और 4 बराबर 10 है, 4, 3 और 5 बराबर 17 है, 5, 4, 6 बराबर 26 है। दोस्तों, 6, 5, 7 बराबर 37 है, तो 7, 6 और 8 बराबर कितना होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हल भी करेंगे हम। तो उससे पहले, यदि आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल सकेगी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है कि यदि आप 3 गुना 2 करेंगे तो 6 हो गया, 6 प्लस 4 बराबर 10 हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार 4 गुना 3 करेंगे दोस्तों 12, 12 प्लस 5 बराबर 17 हो गया। दोस्तों, उसी प्रकार 5 प्लस 4 20 हो गया। दोस्तों, 20 गुना 6 बराबर 26 हो गया। दोस्तों, उसी प्रकार 6 गुना 5 30, 30 प्लस 7 37 हो गया। दोस्तों, तो इसी प्रकार दोस्तों, यदि हम 7 गुना 6 करते हैं तो बराबर 42 हो जाता है, और प्लस 8 करते हैं तो इसका सही आंसर है वो 50 हो जाता है। दोस्तों, तो 50 इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, धन्यवाद।